दोस्तों अब हम जा रहे हैं हेरिटेज विलेज की तरफ, और यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का कुछ व्यू है। ये देखिए हमारे जो दोस्त है वो फोटोज़ क्लिक करने लग गए हैं दोबारा से, बिकॉज यही सब, दैट्स वाई गट टायर्ड इन द इवनिंग। और धन्यवाद। धीरे धीरे हम नीचे की तरफ जाने लगे हैं। थोड़ा सा पहाड़ी लाइफ का टच भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए किस तरह से यहाँ इन जो एनिमल्स है इनकी हेल्प से हमारी ह्यूमन लाइफ असिस्ट होती है। एंड डॉक्टर विनय इज वेटिंग फॉर अस। सो देखिए कैसे ये मासूम जानवर हमारी हेल्प करते हैं टू असिस्ट इन सच एल्टीट्यूड्स। तो सर नीचे की क्या स्पेशलाइजेशन है, क्या क्या वहाँ पे चीज़ें मिलेगी? डू यू हैव एनी आइडिया? ओके व्यू, ओके 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 ओके। सो कल्चरल हेरिटेज यहाँ पे विलेज है, तो कल्चरल जो भी हिमाचल की चीज़ें हैं, जो भी पर्टिकुलर इस रीजन की कल्चरल इवेंट्स जहाँ यहाँ पे हुई, कभी हुई होगी, तो उन सब का हमें एक टच मिलेगा। तो आपको अपडेट करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ें। अभी तो थोड़ी चढ़ाई बड़ी मतलब कि हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, सो दैट्स वाई। सो जैसे ही हम नीचे पहुंचते हैं एक दूसरा मैं व्लॉग बनाऊंगा, एंड आई लेट यू नो अदर थिंग्स विच आर प्रेजेंट हियर। दोस्तों 2 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, और दिस इज हेरिटेज विलेज। देखिए किस तरह का एंट्रेंस है, किस तरह की। ये लुक एट द व्यू। ये देखिए एक पहाड़ी कुत्ता है, डोगी सॉरी। एंड दिस इज द मैम, इज दिस अ कैफे? यस, इट्स अ हेरिटेज विलेज, और यू कैन सी वेरी हेरिटेज कल्चरल एथिक थिंग्स हियर। ओके, सो स्मॉल हाउसेस, दिस इज अ ट्रेडिशनल हिमाचल स्लेट्स। ओके ओके, रूफ। ओके ओके। एंड सो इज देयर एनी म्यूजियम आल्सो? या ओके, यहां पे एक म्यूजियम भी है। वन बाय वन चीज़ें देखते हैं। एंड यहाँ एक छोटा सा इन्होंने गार्डन बना रखा है। ही इज अ क्यूट फ्रेंड ऑफ अस। ये यहाँ के कुछ लोकल लोग हैं, तो इनसे हम पूछते हैं ओके सो किस तरह, क्या इस जगह की स्पेशलिटी है, तो कुछ बताएंगे हमें? एक्चुअल में एक हेरिटेज विलेज है, तो जो कांगड़ा का जितना भी कल्चर जो अभी एक्सटिंक्ट होने वाला है, हो रहा है बेसिकली, वो सब इन्होंने यहाँ प्रिजर्व करके रखा है। जो जैसे कि जो वुडन चीजें यूज करते थे, या मिट्टी के घर होते थे, या ये स्लेट जो आप देख रहे हो, स्लेट की पहले पहले होती थी, अब लोग इसको यूज नहीं करते, अब लोग कर रहे हैं ओके कंक्रीट। ओके ओके, वो कर रहे हैं, तो यहाँ पे वुडन मिट्टी, लेकिन वो सब चीज़ें उन्होंने वो प्रिजर्व करके रखी, जो लोकल चीज़ें जो लोग यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन या जिसमें खाना खाते थे, वो सब अब जा रहा है, इसलिए यहाँ पे ये प्राइवेट प्रॉपर्टी इन्होंने सारा कल्चर प्रिजर्व करके रखा। ओके दैट्स गुड, दैट्स गुड। यस देखते हैं एक एक करके सारी चीज़ें। ये पुराना इनका कुछ बैठने का होता होगा। They can sit here and enjoy. हमारे लिए तो ये वैसे बड़ी नई चीज़ है, लेकिन if they are saying कि this is an you know ancient thing, तो we have to.
सो नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स फिश टैंक एंड बाउरी बाउडी आई थिंक दिस इज बाउडी ओके ये सामने बाउडी है ओके तो पहले बाउडी देखते हैं हम ये बाउडी है ये कुछ जानवरों को रखने का इन्होंने रखा होगा और कीचड़ बहुत है ओके ये बाउडी है सो बाउडी इज बेसिकली फॉर वाटर कंजर्वेशन ना लोकल गाइड इज बिजी विद सम फोन कॉल्स लुक हाउ ब्यूटीफुली दे हैव क्रेव्ड थिंग्स महादेव जी की मूर्ति के ऊपर ये पानी चलता हुआ एंड दिस इज अ स्मॉल पॉन्ड एंड देखिए किस तरह से छोटा सा इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है इट्स लाइक अ स्मॉल फाउंटेन एंड गंगा जी शिव जी के सर से यहाँ बहती हुई तो उस तरह का ये हमारे साथी आ चुके हैं दोबारा से एंड वाटर कंजर्वेशन वाटर हार्वेस्टिंग जहाँ पे भी इनको लगता है यहाँ से है उसको वहाँ पे पूरा वो कर देते सीमेंटेड जो पानी पोर्टेबल हो ड्रिंकिंग ओके ओके सो व्हाट अबाउट विब्रियो Is there any? No chances of Vibrio. You can okay. test, but this water is rich in mineral. Ask Dr. Okay, we have to take some samples from here. Dr. Saab, we have to check this water for Vibrio and some Aeromonas. ये देखिए किस तरह से बड़ी ही सुंदर भगवान बुद्ध की ये मूर्ति लगी हुई है यहाँ पे. And this is another. हाउस ट्रेडिशनल हाउस अंदर देखते हैं अगर अलाउ होगा तो ही हम वीडियो बनाएंगे एंड ओके कांगड़ा यस यस ओके सो ये देखिए एक और सुंदर सा घर है यहाँ का लोकल ट्रेडिशनल एंड दिस इज अ वुडन हाउस इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल वंडरफुल यार वंडरफुल ओके गाइस सो अभी एक हमारे साथी ट्रैवलर है उनका एक वीडियो बनाते हैं आफ्टर दैट आई विल लेट यू नो सम सो गाइस अभी हम जा रहे हैं कैफ़े के अंदर और ये कैफ़े के अंदर का माहौल है इस तरह का कुछ ये यहाँ के जो भी सर है उन्होंने फर्स्ट प्राइज डॉग शो सेकेंड प्राइज डॉग शो के बहुत सारे प्राइजेज जीते हुए हैं अमर उजाला न्यूज़पेपर ने they're sending these things as a compliment और ये सब चीज़ें अंदर से आपको फिनिशिंग में दिखा देता हूँ कि किस तरह का अंदर माहौल है वेरी ब्यूटीफुल बहुत अच्छा ये सब बना हुआ है एंड ये सर का कैबिन है जो यहाँ मैनेज करते हैं देखिए बड़ा ही सुंदर ही रेस्टोरेंट है एंड सर यहाँ पे क्या क्या डिशेज मिलती है खासियत क्या है ओके बहुत सारे जो धाम हिमाचल में फेमस है तो वो सब मिलते हैं यहाँ पे हिमाचली धाम कांगड़ी धाम और बहुत सारे सर ने बताए फलनपुरी धाम और देखिए कितना सुंदर है यहाँ का ये पुराने एंशियंट जो यहाँ पे मटके यूज करते थे ये देखिए पुराना इसे दूध निकालते थे दूध जो दूध से दही से दूध बनाते हैं तो उसमें ये यूज होता है रई बोलते हैं इसको बेसिकली ये इट्स लाइक ए हैमर एंड ये सब पुराने पोर्ट्स और अब आपको मैं एक बाहर से व्यू दिखाता हूँ